भोले की नगरी काशी महाशिवरात्रि से पहले ही पूरी तरह शिवमय दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाराणसी के अस्सी घाट पर 14 राज्यों से आई महिलाओं ने हाथों में दीपक लेकर एक साथ एक सुर में शिव तांडव का स्तोत्र पाठ किया। अस्सी घाट पर आयोजित इस अनोखे आयोजन को हजारों लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। वाराणसी के गंगा तट पर आयोजित ये कार्यक्रम देश की महिला को समर्पित रहा। भगवान शंकर से महिलाओं के सुरक्षा और समृद्धि की कामना की। आयोजन में 200 से अधिक महिलाएं वर्चुअल भी इस आयोजन में शामिल हुई। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 1000 से अधिक महिलाएं ये अनोखे आयोजन में शामिल हुई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के माहेश्वरी देवी ने बताया कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के लिए उन्होंने एक साल पहले से तैयारियां शुरू की थी। कोरोना काल में महिलाओं ने घरों में रहकर समय का फायदा हुआ और इस कठिन माने जाने वाले शिव तांडव स्तोत्र को याद भी किया। मैं पच्चीस महिलाएं इस प्रोग्राम में पूरे जिले की शामिल हुई है। ड्यू टू कोविड बहुत सारे लोगों को यहाँ वो नहीं आ सके, लेकिन जिनको हो सका वो सब लोग यहाँ आ गए हैं। और यहाँ आने के बाद गंगा मैया के सामने ये पूरा शिव तांडव स्तोत्र गाना ये बहुत ही जीवन भर का अनुभव रहा है। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार, सिटी 24।